हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने अजीजाना यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि गाइज हमें हौसला अफजाई मिलती रहे कि हाँ लोग हमें पसंद भी करते हैं। गाइज तो ये देखे गाइज, ये देवबंदी फिक्को के नाम से बड़े मशहूर है, मगर ये हमारे यहाँ पर मेरठ से आए हुए फिक्के हैं ये, और कुछ हमारे कुरतपुर की नस्लें हैं, जो कि ये समझ लीजिए आपको देख के दिल खुश हो जाएगा। गाइस ये फिक्के देवबंदी कहा जाते हैं, क्योंकि वहाँ से इनकी नस्लें स्टार्ट हुई है। तो हाँ, शायद ये देवबंदी फिक्के ही है, ये भी कह लीजिए आप। मगर आज आपको ऐसे ऐसे देवबंदी फिक्का का शौक कराऊंगा, आप 36 हो जाएगी देख के। गाइस ये देखिए, ये है मादिन गाइस, ये हमारे घर की पट्टी है, और इसका नर का शौक कराऊंगा। इसके बच्चे हमारे यहाँ बड़े लंबे उड़ते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा पकड़ा हुआ कबूतर है, इसका नर है, और इसके बच्चे बड़े लंबे लंबे उड़ते हैं जी हमारे यहाँ। ये समझ लीजिए कोई काट ही नहीं है इस टाइम इसकी, इसके बच्चों की और इसकी। ये देखिए गाइस, ये इसका बाजू है, लंबा, इतना लंबा बाजू है। इसके बाजू पर गांठ हो गई थी, तो हमने कुछ दवाई लगाई, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी बता रखी है, उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। अगर किसी भाई को तकलीफ हो तो वो वीडियो देख ले जाके। ये देखिए, ये इसके पंजे है, और ये देखिए गाइस, मैं इसे यहाँ पे छोड़ के दिखा देता हूँ। ये कितना आलीशान और कबूतर फिरता हुआ अच्छा लगता है, हाथ में इतना अच्छा नहीं लगता जितना फिरता हुआ अच्छा लगता है। गाइस इस कबूतर की तारीफ में 2-3 अल्फाज मैं सुनना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, ये कबूतर कैसा है। ये देखिए गाइस, इसी नस्ल में से ये इसका बड़ा भाई कह लीजिए, ये खुद शांत लग उड़ता है और इसके बच्चे भी शांत लग उड़ते हैं। इसकी मादिन अगर मैंने आपको दिखाई तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि मैंने ऐसा क्यों कर रखा है। गाइस इसे मैंने एक मादिन, या ये समझ लीजिए आबन मादिन से मिला रखा है। ये देखिए आप, नस्लें देखने को मिल रही होगी आपको अच्छी अच्छी। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आ रही हो तो। गाइस ये देखिए आप, मैं फिर आपको इसे छोड़ के दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देख के बताइए। उड़ के भाग कैसी मादिन का शौक कराता हूँ फिर मैं आपको। अरे यार गाइस, इसकी मादिन ने दे रखे हैं अंडे, वरना मैं मादिन का भी शौक कराता। ये देखिए गाइस, ये अभी हाल फिलहाल का पकड़ा हुआ कबूतर है हमारा। ये देखिए आप, हरा कलर लग रहा है इसके, मोरी वोरी नहीं है गाइस, कभी मैं मोरी वोरी नहीं कहता, जब नहीं है तो मोरी तो क्यों कहे गाइस। इसे पकड़ा है, हरा कलर लगा, उड़ान पे पकड़ा था इसे 11:30-11:12 बजे। गाइस एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, मगर गाइस इसे जोड़ों में डाल दिया हमने, एक बड़ी उड़ैया कबूतरी से, घर की पट्टी है हमारी वो। ये देखिए गाइस, शौक कराता हूँ मैं उसका आपको। ये देखिए गाइस, ये इसकी मादिन है, घर की उड़ी उबली कबूतरी है हमारी। ये देखिए, मन खुश हो जाएगा आपको ऐसी नस्ल देखने को। 4-5 कबूतर दिखाइए, फिक्के फिक्के दिखाए गाइस आपको, किसी दिन कलसरे कलसरे भी दिखाएंगे, किसी दिन फुलसरे फुलसरे भी दिखाएंगे, किसी दिन पंजाबी पंजाबी भी दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, इसे यहाँ पर छोड़ कर मैं दिखाता हूँ, ये कितनी आला दर्जे की कबूतरी है, और इसके बच्चे से उठा के मैंने चौक कराया है। और एक और देवबंदी कबूतरी का शौक करा देता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, इसे करकरे पंगे भी कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। ये देखिए गाइस, ऐसे ऐसे कबूतर हम उड़ाते हैं, और फिर उड़ाने के बाद हम इन्हें जोड़ों में तकसीम करते हैं, वरना करते नहीं। गाइस ये देखिए आप शौक, ये देखिए, ये देखिए गाइस, मैं इसे छोड़ के शौक कराता हूँ इसे उड़ा के, इसकी खूबसूरती का एहसास करिए। ये देखिए,
भाई इधर आई ये उड़ती हुई गाइस चील परी कलदुमी सी लगे ये देखिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। मिलता है दूसरी वीडियो में।